मधवापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित बाबा पंचेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा समिति के सौजन्य से 17वां शारदीय नवरात्र को लेकर भव्य तैयारियां चल रही है। इसमें सभी समुदाय की भागीदारी होती है और लोग श्रद्धा पूर्वक माँ दुर्गा की पूजा धूमधाम से करते हैं। पूजा को लेकर अभी से ही ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि यहाँ सर्वप्रथम 1952 में चरोद धार्मिक मठ के महामंत्र व ग्रामीणों के सहयोग से माँ दुर्गा समेत देवी देवताओं की प्रतिमा निर्माण कर विधि विधान पूर्वक पूजा प्रारंभ किया गया था, जो 1956 ईस्वी तक चला। इसके बाद यहाँ के लोगों की माता के प्रति आस्था बढ़ती गई और स्थानीय निवासी के सहयोग से पूजा समिति का गठन कर मंदिर परिसर में खपरेल भवन में माँ की पूजा धूमधाम से की जाने लगी। वर्ष 2017 में ग्रामीणों के सहयोग से भव्य व आकर्षक दुर्गा भवन का निर्माण कराकर विधि विधान पूर्वक माँ दुर्गा की पूजा की जाने लगी। इस बार अन्य वर्ष की अपेक्षा पूजा के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि दुर्गा भवन को तैयार कर स्थानीय कुशल मूर्तिकार राजू लाल कर्ण के द्वारा माँ दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की भव्य व आकर्षक प्रतिमा का निर्माण चल रहा है। पूजा स्थल पर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के तुलसियाही के पंडाल निर्माता के द्वारा इंडिया गेट के आकार का पूजा पंडाल और गेट का निर्माण कराया जा रहा है। कलश स्थापना पर माँ दुर्गा के 9 रूप की आकर्षक झांकी के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यहाँ श्रद्धा पूर्वक मांगी गई मुरादे माँ पूरा करती है। भारत नेपाल सीमा पर होने के कारण माँ के दर्शन व पूजन के लिए बड़ी संख्या में सुदूर नेपाल के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रतिदिन लगी रहती है। यहाँ प्रतिमा विसर्जन दशमी के प्रातः एकादशी के दिन होने की परंपरा शुरू से ही है। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि अन्य वर्ष की भांति इस वर्ष पूजा का बजट करीब 15 लाख से अधिक का है। यहां प्रति वर्ष ग्रामीणों के सहयोग से मां की पूजा धूमधाम से की जाती है, जिसको लेकर पूजा समिति अभी से ही कमर कस चुकी है। पूजा को लेकर सभी तैयारियां जोर शोर से युद्ध स्तर पर चल रही है। यहां पूर्व से ही माँ दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन एकादशी के दिन यानी दसवीं के कल होकर प्रतिमा विसर्जन की परंपरा चली आ रही है। लोगों में माँ भगवती की पूजा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। बताइए, यह जो आयोजन भारत नेपाल सीमा पर हो रहा है, हर वर्ष होता आ रहा है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस इलाके के लिए? जी बिल्कुल, जब दोनों देशों का नागरिक एक साथ माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मधुबापुर में आकर पूजा अर्चना करती है और मटिहानी नेपाल यहाँ के लोग जाते हैं, तो वहाँ लगता है कि नहीं, माता एक है। वास्तव में भारत और नेपाल में कुछ बटा नहीं है, भारत नेपाल के नागरिक एक साथ यहाँ मधुबापुर आकर के पूजा अर्चना करते हैं। और क्या क्या कुछ विशेष तैयारियां चल रही है? विशेष तैयारी, मैं दुर्गा पूजा समिति के सचिव होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य आयोजन मेला का किया जाएगा। पहला जो हमारा कलश शोभा यात्रा है उसकी बात की जाए तो भव्य रूप से हम लोग 9 माताओं का रूप यहाँ बनाते हैं, उसमें यहाँ के हजारों कुमार कन्याएं शामिल होती है, मधुपुर के ग्रामीण शामिल होते हैं और कलश शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और फल की कामना करते हैं। मेरा नाम पीताम्बर मिश्रा हुआ, मैं दुर्गा पूजा समिति मधुबापुर का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ का। और अभी जो आयोजन यहाँ हो रहा है, प्रत्येक हर वर्ष की भांति जो है यहाँ 10 दिन मेला लगाया जाता है। इस बार 26 तारीख को कल स्थापन है। एवं प्रकारेण जो कार्यक्रम हर वर्ष की भांति आप देख सकते हैं कि यहाँ टेंट वगैरह लगते हैं, भव्य डेकोरेशन होता है, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस बार हम लोगों ने विशेष रूप से नवमी के लिए एक कव्वाली का भी आयोजन कर रखा है, जो चांद कव्वाल के नाम से यहाँ नवमी के रोज अपना प्रोग्राम देंगे। उसके साथ साथ दसवीं के रोज भी एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जो अभी बातचीत के माध्यम से अभी फाइनल नहीं हुआ है। अतः इस तरह यहाँ जो है ना, हर वर्ष बहुत अच्छे ढंग से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी।
चाय, एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास, बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।